रविवार रात शहर में दो अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में तीन लोग घायल हो गए। घायलों में दो की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पहली घटना गीता भवन चौराहे की है। यहाँ तेज गति मर्सिडीज कार सवार अपनी गाड़ी की गति को कंट्रोल नहीं कर पाया और पहले एक बाइक सवार को और फिर एक अन्य युवक को टक्कर मार दी। दूसरी घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र, बाइक सवार बबलू सोलंकी को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बबलू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस अस्पताल ले जाया गया। दोनों ही मामलों में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये नाम बताइए आपका। अमरदीप सिलावट। कैसे हुआ एक्सीडेंट बताइए। भैया पलासिया तरफ से एक मर्सिडीज गाड़ी थी, पेंज बहुत स्पीड में आ रही थी और हम लोग इधर साइड में फुटपाथ के वहाँ पे खड़े हुए थे। पहले तो उनने एक बाइक वाले को उड़ाया, बाइक वाले को उड़ा के असंतुलित होते हुए जो पुलिस बैरीगेड लगे रहते हैं वो बैरीगेड को साथ में लेता हुआ आया और मेरे को मेरी गाड़ी समेत उड़ाया उन्होंने। कितने लोगों को लगी? एक तो मेरे को लगी है और एक मुझसे पहले अभी एक और केस आया है। वो मेरा नाम अमरदीप सिलावट है और वो जो नगर निगम ने कल गड्ढा खोदा था वहाँ पे बोल्डर डाल दिए हैं, वो बोल्डर के कारण उस गाड़ी वाले के ब्रेक नहीं लगे हैं, वो भी एक हादसे का कारण है। गाड़ी वाला भाग गया, उसका नंबर प्लेट मिला है, पलासे थाना पे है, MP07 गाड़ी है, 81 या 80112 ऐसा कुछ नंबर है उसका। ये भैया टक्कर आ रही है कि बाइक से थे? हाँ ये बाइक से थे।